आना पड़ता है कि कुछ नहीं होगा, सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने बेस्ट लाइफ जी सकते हैं डायलिसिस पे शिफ्ट होके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है कि डायलिसिस की मशीन कैसे काम करती है? इंडिया में करोड़ों लोगों को किडनी की बीमारी है और इनमें से लाखों लोग डायलिसिस पे हैं। अगर आप इनमें से एक हैं या आप किसी को जानते हैं जो डायलिसिस पे हो या उनके साथ काम करता हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सुनते हैं एक डायलिसिस एक्सपर्ट से एवरीथिंग अबाउट डायलिसिस मशीन। तो कई पेशेंट्स जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो डर जाते हैं और उनको इतना पता नहीं होता कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप मशीन के बारे में थोड़ा समझाएं पेशेंट की लैंग्वेज में, तो उनको बहुत हेल्प होगी डायलिसिस के बारे में समझने के लिए। हाँ, शुरू में मान लो जितना हमारे एक्सपीरियंस में जो पेशेंट आए हैं, शुरू में बहुत डर जाता है पेशेंट कि डायलिसिस एकदम नया वर्ड होता है उसके लिए। मेरा ब्लड फिल्टर होगा, मशीन में ब्लड जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब ये सारे क्वेश्चंस क्वेरीज पेशेंट की आती हैं। फिर जब पेशेंट को डायलिसिस पे हम लेके आते हैं तो वो एकदम से अपना इतना सारा ब्लड मशीन में आते हुए देखता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट के उस टाइम। और उस टाइम हमारा यही रहता है कि मेडिकल तो हम सपोर्ट दे ही रहे हैं, उसकी क्लियरेंस वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट हमारा ये रहता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे शिफ्ट करने मतलब शुरू के टाइम पे। तो जो है एक बार पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो एकदम अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छा बोला आपने, और एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल सपोर्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेडिकल या दवाइयाँ। तो आप हमें बताइए कि मशीन क्या करती है और कैसे ब्लड को क्लीन करती है। इसका मेन तो दो काम है हमारी डायलिसिस मशीन के। एक तो हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है पेशेंट का, जैसे मान लो पेशेंट का किडनी फंक्शन लॉस हो गया तो उसका यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है, तो हमारा जो पेशेंट का एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी में होता है वो हमें निकालना होता है। और सेकेंड, जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं, अपना यूरिया रहा, पोटेशियम रहा, सोडियम रहा, बाकी सारी चीज़ें, तो उनको बैलेंस करना। तो हमारी डायलिसिस मशीन का जो मेन प्रिंसिपल चलता है वो यही है कि एक तो हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालना है पेशेंट का, दूसरा उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना है। तो इसमें हमारे एक मान लो एक तो एक फिल्टर आता है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, अगर पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो एक आर्टिफिशियल किडनी जैसे डायलाइजर यूज करते हैं हम। इसमें हम ट्यूबिंग का सेट यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हमारे इसमें पूरे सर्किट में ब्लड आ जाएगा। इसमें ब्लड फ्लो के लिए जो ब्लड फ्लो हम पेशेंट से जो ब्लड लेंगे, एक ब्लड पंप होता है मशीन में, एक हिपेरन पंप होता है जिससे ब्लड पेशेंट का ब्लड क्लॉट ना हो, क्योंकि 4 घंटे पेशेंट का ब्लड डायलिसिस मशीन में घूमेगा तो क्लॉट नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक हिपेरन हमें देना पड़ता है, उसके लिए एक पंप आता है मशीन। तो आपने अभी हेपरिन की बात करी, हेपरिन मतलब कि एक तरीके से ब्लड को थिन करता है, जैसे आपने बोला कि क्लॉट ना हो। ब्लड थिनर जरूरी है क्योंकि 4 घंटे अगर हम पेशेंट का ब्लड ट्यूब में डायलाइजर में घुमाएंगे तो अगर ब्लड थिनर नहीं देंगे तो ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा। हाँ जी, एकदम सही। और ये मशीन कौन सी कंपनी की? ये अपनी फ्रेजिनियस मेडिकल केयर की है, 4008 ऐसे ही है। जितने भी मतलब ऑलमोस्ट डायलिसिस में 50% ऑल ओवर द वर्ल्ड यही मशीन यूज होती है, इसको बेस्ट माना गया है। फिर इसके बाद इसमें एक एयर डिटेक्टर आता है जो जितना भी सर्किट है जब वो पेशेंट की तरफ वापस रिटर्न जाएगा ब्लड फिल्टर होके, तो एक सेंसर होता है जो एयर को डिटेक्ट करता है। उससे क्या होता है कि पेशेंट का 0% रिस्क फ्री हो जाता है कि हमारे सर्किट से 1% एयर पेशेंट के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि हम कभी कभार पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं तो उससे एयर के चांसेस भी रहते हैं, तो वो सेंसर यहाँ पे मतलब अगर एयर आ जाएगी तो वो रोक देगा, एयर को पेशेंट में जाने नहीं देगा। और जैसे आपने एयर की बात करी, इसका इम्पोर्टेंस यही है कि एयर अगर पेशेंट के अंदर जाए तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, जिससे आपका हार्ट भी रुक सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बट ये मशीन उसको प्रिवेंट करती है। जी, ये मशीन का एक मतलब वो है प्लस पॉइंट है कि ये वो उसको आगे जाने नहीं देगी, एयर ट्रैप होता है इसमें, वो एयर को आगे जाने ही नहीं देगा। एक और इसमें आता है, जैसे इसमें हमारा खाली ये डायलिसिस मशीन ही डायलिसिस हीमोडायलिसिस में यूज नहीं होती, इसके साथ
हमें आर ओ का भी मतलब आर ओ वाटर चाहिए होता है। लगभग एक डायलिसिस में 140 लीटर पानी यूज होता है, साथ में उसके साथ दो कैन आते हैं अपने पास, एक में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिससे हम पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, और सेकंड अपना सोडियम बाइकार्बोनेट की एक कैन आती है, तो वो हमें लगानी पड़ती हैं। उसके बाद जो वो पार्ट ए और पार्ट बी, हम उसको डायलिसिस की मतलब मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो अपना आर ओ वाटर के साथ ये मशीन मिक्स करती है, तो उसी को हम डायलिसेट फ्लो बोलते हैं। जब ये तीनों चीजें मिक्स हो जाएं तो वो फिर डायलाइजर में इन होता है एक साइड से, और ये जो डायलाइजर होता है इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब एक साइड से इसमें ब्लड जाएगा और दूसरी साइड से इसमें जो है वो डायलिसेट जाएगा। जो डायलिसेट जाएगा एक साइड से वो फिर फिल्टर में आके दूसरी साइड से आउट हो जाएगा, और अपने साथ जो भी अपने इम्प्योरिटीज हैं या जो भी मान लो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे अपना यूरिया हो गया, पोटेशियम हो गया, उन सबको अपने साथ रिमूव कर लेता है। और ये इनपुट हो गया पानी का, तो बाहर भी पानी निकलता है जो एक तरीके से फिल्टर होके या फिर सारे जो सल्यूट्स वगैरह निकालने होते हैं निकाल देता है। तो वो कितने लीटर होता है उसमें? फिर सर एडिशन हो जाएगा ना, मान लो ये तो अपना 120 और पार्ट ए पार्ट बी आके ऐड होके जाएगा, मतलब अप्रोक्स 120 लीटर ये हो गया। फिर वो अपने साथ पेशेंट का, मान लो हमने 4 लीटर फ्लूड लगाया या 2 लीटर जितना पेशेंट का वेट गेन है, तो उसको हम लगा के निकालेंगे, तो वो इस पानी में ऐड होके ये वाला जो पानी है ये उसको अपने साथ ले जाएगा। तो आपने दो फ्लो के बारे में बात की, एक ब्लड फ्लो एक डायलिसेट फ्लो। अब ब्लड फ्लो डिपेंड करता है कि पेशेंट के पास क्या एक्सेस है, अगर फिस्टुला है तो ब्लड फ्लो थोड़ा ज्यादा तेज होता है, अगर लाइन है तो ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है। तो क्या एवरेजेस होते हैं ब्लड फ्लो की आपके एक्सेस के हिसाब से? फिस्टुला, अगर फिस्टुला नया है, अभी मान लो अभी अभी बना है, हमने 5-10 सेशन उससे करे हैं, तो वो उस टाइम उसमें फ्लो 200 से 250 या 280 तक हम रख लेंगे, क्योंकि फिस्टुला नया होता है, मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, वेन को मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देन जब एक बार ही फिस्टुला मैच्योर हो गया, प्रॉपर वेन डेवलप हो गई, तो 300 से 350 तक हम नॉर्मल रखते हैं ब्लड फ्लो, और इतना रहना भी चाहिए। और जितना ब्लड फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा क्लियरेंस होगी पेशेंट को, ब्लड फ्लो का है ये। और सेम उसका यही रहता है डायलिसेट फ्लो भी, मान लो किस एवरेज से हम दे रहे हैं, जैसे मान लो ये वाली मशीन है तो हम नॉर्मली इसमें 3 मोड सेट करते हैं, या तो 300 ml पर मिनट, या 500 ml, या अपना मतलब हाईएस्ट हो गया 800 ml पर मिनट। मतलब तो अगर हमारा ब्लड फ्लो मान लो 350 रह रहा है, तो हम उसको डायलिसेट को 800 करेंगे, डायलिसेट को हम 800 करेंगे, उससे क्या होगा कि पेशेंट का जो क्लीयरेंस है वो हम बेटर अचीव कर पाएंगे। लेकिन और कई नई मशीन्स में ऑटो फ्लो फंक्शन भी होता है, हाँ, जो अपने आप डिटेक्ट करता है फ्लो, इसमें है वो ऑटो फ्लो function? नहीं, ये अपने ऑफलाइन मशीन है, अभी जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं जैसे ऑनलाइन हो गया अपना HDF वगैरह मशीन्स जो आ रही है, उनमें वो ऑटोमेटिकली अपना जैसे हमने ब्लड फ्लो सेट कर लिया 300 या 350 या 325, देन वो अपना डायलिसेट फ्लो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। मशीन में इतने अलार्म भी बजते हैं जिससे पेशेंट डर जाते हैं, तो इन अलार्म्स के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इन जनरली इसमें दो अलार्म मेन आते हैं, वो मतलब रेगुलर जैसे फ्लो डिस्टरबेंस है, किसी पेशेंट का फ्लो नहीं आ रहा, तो एक लोअर वेन करके आता है, मैं अभी आपको मशीन में पता जैसे इसके अलार्म्स हैं, एक इसका एयर डिटेक्टर का अलार्म रहता है, एक ब्लड लीक का अलार्म रहता है, एक वीनस प्रेशर का अलार्म रहता है, और एक TMP का अलार्म रहता है। एयर डिटेक्टर का अलार्म इसलिए आता है कि अगर हमारे सेंसर ने मतलब कहीं सर्किट में एयर आ रही है, तो वो मशीन रुक जाएगी और अलार्म करेगी, ताकि टेक्नीशियन इमिडिएटली आके मशीन को देख ले कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें, तो एयर डिटेक्टर का वो काम है। बाकी वीनस प्रेशर का अलार्म भी जरूरी है, कभी कभार फ्लो नहीं आता पेशेंट का, तो इसमें लोअर वेन का अलार्म आएगा, ये उससे मतलब टेक्नीशियन को एकदम पता चल जाएगा कि पेशेंट का फ्लो नहीं आ रहा। सेम चीज है TMP का, सेम चीज ऐसे अलार्म। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये अलार्म डिजाइन करे गए हैं ताकि पेशेंट की सेफ्टी को माइंड में रखा जाए,
तो इससे इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलार्म हमें ये नहीं कह रहा कि कुछ डेंजरस है, ये हमें बस बता रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता। शुरू में पेशेंट का रहता है कंसर्न कि मेरी मशीन बज रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अलार्म क्यों आ रहा है। फिर धीरे धीरे हमें हर चीज उनको समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। एक बार जब पेशेंट के अंदर नॉलेज आ गई, देन पेशेंट पेशेंट ऑटोमेटिकली सारी चीजों को नॉर्मली लेता है। और अलार्म भी जरूरी है। तो आप कितने पहला, अगर कोई पहले डायलिसिस के लिए आया तो आप कितने घंटे करते हैं डायलिसिस? शुरू में डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। अगर पेशेंट स्टेबल है देन फिर नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइज करता है। तो जो अपना मान लो रेगुलर यहाँ पे चल रहा है, मान लो अप्रोक्स हम 2 घंटे से स्टार्ट करते हैं विद मिनिमम यूएफ। अगर पेशेंट का वेट गेन वगैरह नहीं है तो हम 2 घंटे की डायलिसिस करेंगे। 500 to 800 ml हम उसका UF निकालेंगे। देन धीरे धीरे उसकी कंडीशन को एग्जामिन करके हम उसका टाइम और UF इंक्रीज करेंगे। मान लो जैसे नेक्स्ट टाइम आया फिर हमने 3 घंटे पे शिफ्ट करा, फिर नेक्स्ट आया फिर हमने 3 से 3.5 करा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे पेशेंट की कंडीशन को देख के आगे शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, पेशेंट का ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इसका यही मतलब है क्योंकि बॉडी इज नॉट एडजस्टेड टू डायलिसिस, और स्टार्टिंग में आप इतना ब्लड बाहर निकाल रहे हैं क्लीन करने के लिए, तो पेशेंट की बॉडी को इनिशियली शॉक लग सकता है। इसलिए हम 2 घंटे से शुरू करते हैं और फिर आगे जाके तीसरी या चौथी डायलिसिस में 3.5 घंटे या 4 घंटे कर सकते हैं। अब एक और टर्म होता है कि वॉश पैक। ये भी चीज हमें पेशेंट एक्चुअल ये केसेस शुरू में ही हम एग्जामिन कर लेते हैं। जैसे मान लो शुरू में किसी पेशेंट की डायलिसिस अभी स्टार्ट हुई है तो हम शुरू में ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं। वैसे इन जनरल जब पेशेंट का एक रूटीन डायलिसिस हो जाता है तो वो नॉर्मली पेशेंट में बीपी ड्रॉप नहीं करता। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम डायलिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो 150 से 180 तक रहना चाहिए। हाँ जी, जो हमारे सर्किट में ब्लड आएगा वो 150-180 की स्पीड से आएगा, तो पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इन केस किसी पेशेंट को हो रही है, उसमें भी दिक्कत हो रही है कि उसका ब्लड जो है हम बाहर कर रहे हैं तो वो एकदम हाइपोटेंशन या मान लो हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो बीपी ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लाइंस होती हैं हम उसका फ्लूड ड्रेन नहीं करते। सिंगल यूज पेशेंट है तो अगर हम एक लाइन से उसका फ्लूड बाहर मशीन के सर्किट में ला रहे हैं तो दूसरी साइड से उतना फ्लूड हम इन भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो फ्लूड है वो ड्रॉप नहीं हो रहा, ड्रॉप नहीं होएगा, वॉल्यूम ड्रॉप नहीं होएगा, तो पेशेंट का बीपी कम नहीं होगा। जो आप वॉश बैग का पूछ रहे थे, वॉश बैग होता है जैसे हम अभी हमने डायलिसिस स्टार्ट करी, स्टार्ट करते टाइम तो हमने सारा जो सलाइन है जो प्राइम में यूज होता है, सलाइन फ्लूड एयर निकालने के लिए जो यूज होता है, वो हमने शुरू में तो हम उसको ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन जब एंड में हम डायलिसिस क्लोज कर रहे हैं, डायलिसिस क्लोज करते टाइम सम हाउ अमाउंट पेशेंट के अंदर चला जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत 100 ml या 150 या 200 ml पेशेंट के अंदर जाएगा, क्योंकि वो उसको हम क्लियर ब्लड लाइंस को क्लियर करेंगे तो 100-150 ml उसके साथ पेशेंट के अंदर फ्लूड भी जाएगा। पूरा ब्लड इन करते करते 100-150 ml फ्लूड भी पेशेंट के अंदर चला जाएगा, तो वो जाता है। तो मतलब किसी किसी केस में ऐसा रहता है कि जैसे हमने रिटर्न करते मतलब डायलिसिस क्लोज करा, ट्रीटमेंट स्टॉप करा, तो किसी किसी पेशेंट का बीपी इंक्रीज होता है उस टाइम, जस्ट बिकॉज जो हमारी सलाइन होती है उसमें 0.9% सोडियम होता है, तो थोड़ा सा रिटर्न करते टाइम वो सलाइन अंदर चला जाता है तो पेशेंट का थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, मान लो 20-30 के अराउंड उसका हाइक आ जाएगा उसके बीच में। अगर कोई एक मैसेज देना चाहे उनको जो नया डायलिसिस हो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ वर्ड? मैसेज तो यही है कि जब भी किसी कोई डायग्नोस होता है CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज से, तो पेशेंट बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो होपलेस हो जाते हैं कि अब हमारी तो लाइफ बेकार हो गई, हम अब कैसे हैंडल कर पाएंगे या कैसे चीजें हो सकती हैं। लेकिन उनको उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। हीमोडायलिसिस एक किडनी पेशेंट अपने बेस्ट लाइफ जी सकता है हीमोडायलिसिस मतलब डायलिसिस पे शिफ्ट होके, बस उसको प्रॉपर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को की एडवाइस को प्रॉपर फॉलो करना है, टाइम टू टाइम अपना ट्रीटमेंट लेना है और बाकी खाने पीने पर ध्यान रखना है, बाकी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू वेरी मच।